सीएम योगी के गोरखपुर से उम्मीदवार बनने पर अखिलेश का तंज। बड़ी खबर, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पहले ही घर भेज दिया है। अखिलेश ने कहा चुनाव के बाद भी योगी गोरखपुर में ही रहेंगे। अखिलेश ने कहा कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा, क्या कहा अखिलेश ने, सीधे चलते हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से उन्होंने बातचीत की। कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी देवन, कभी तुलसीपुर, कभी कहीं, कभी कौन सी सीट, लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी ने उन्हें अपने घर भेज दिया। जनता के भेजने से पहले मुख्यमंत्री अपने घर पहुंच गए। सामाजिक समीकरण लगते हैं इसके पीछे की वजह, आपको अयोध्या के सामाजिक समीकरण और गोरखपुर के अलग अलग, इसलिए ऐसा हुआ है? पहले पैदल पैदल चलाया और अब उन्हें घर भेज दिया, इसलिए घर भेज दिया कि अब उन्हें लखनऊ से न जाना पड़े हवाई जहाज, जब हार का परिणाम आए तो वहीं रुक जाए मठ में। मैं अभिषेक उपाध्याय के पास चलूंगा। अभिषेक, सीधा सीधा सवाल है। अभिषेक, आप कॉन्स्टेंटली फ्रेम में हैं, अपने कैमरामैन को बता दें, आपसे सीधा सीधा सवाल है, ऐसा कौन सा नेता है जो चुनाव लड़ने के लिए अपने घर नहीं जाता? क्या अखिलेश लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश अभी गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? कौन सा नेता है? यही तो होता है। देखिए, वो जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बेसिकली उनके कैंपेन का हिस्सा है। वो लगातार समाजवादी पार्टी ये कैंपेन चला रही है कि इस बार जो है बाबा को मठ जाना पड़ेगा, बाबा को गोरखपुर जाना पड़ेगा, उनकी यहाँ पर जगह अब नहीं बची, वो हार जाएंगे। ठीक है, तो उसको उन्होंने इसी से कनेक्ट कर दिया कि हमारा तो ये कैंपेन था और वही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। लेकिन उन्होंने गोरखपुर पर आरोप भी लगाया है जो आप बता रहे थे मुझे। बिल्कुल, वो बहुत ही अहम है। उन्होंने साफ ये कहा है कि गोरखपुर में जो मुआवजे बटे हैं, सबसे अधिक मुआवजा योगी आदित्यनाथ को मिला है, खुद मिला है, सीएम को मिला है, ये उन्होंने हमको एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है। और क्या है कि गोरखनाथ मंदिर के आसपास जो रिडेवलपमेंट हुआ है उसमें बहुत सारी दुकानें हटाई गई हैं, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट हटाए गए हैं, उसमें मुआवजे दिए गए हैं। तो अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया हमसे बातचीत में कि सबसे अधिक मुआवजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, और ये भी कहा कि समय आने पर जाँच भी कराएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में अनाउंस होने के तुरंत बाद। आपने जो बताया ये वाकई में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी माफी चाहूंगा अशोक जी, आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं, आपके पास तुरंत आ रहा हूं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।